हेलो गाइज, आज की वीडियो जानने वाले हम लोग कैसे हम लोग नेविगेशन फ्रैगमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड होता है कि यार कि नेविगेशन रोवर को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें कैसे ही अपना फैसिलिटी डाल सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है उनके लिए है जिनको लगता है कि नेविगेशन रोवर में कुछ दिक्कत हो रही है, उनको समझ में नहीं आता है तो उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं, पूरी डिटेल आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। मैं आपको दिखाता हूँ डेमो। जैसे देखिए आपके सामने जो दिख रहा होगा, देखिए आपके सामने जो मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ होम स्क्रीन। जब इसका टॉगल पर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे सामने यहाँ आता है, बहुत सारे आता है जो यहाँ देखिए होम, वैलेट, शेयर, रेट दिस ऐप, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर हम क्लिक करते हैं होम पर, जैसे होम पर क्लिक किए, देखिए ऑटोमेटिक जो था हमारा नेविगेशन का मेनू ऑटोमेटिक हाइड हो गया। फिर आएंगे वापस और क्लिक, देखिए हाइड हुआ लेकिन देखिए यहाँ ऊपर में सेलेक्ट हो गया होम, क्योंकि हमने उस पर पिछली बार क्लिक किया था। अगर हम क्लिक करते हैं वैलेट पर तो देखिए आएगा वैलेट, और साथ ही साथ देखिए यहाँ वैलेट पर क्लिक होगा, आपको पहचान क्या है कि यहाँ देखिए आपका एक बैकग्राउंड बॉर्डर लग जाएगा और यहाँ जो वैलेट का कलर है ब्लैक से हो जाएगा, इसका प्राइमरी डार्क में चला जाएगा कलर। तो इस फिर देखिए शेयर में ये सिस्टम है, शेयर का फ्रैगमेंट ओपन हो रहा है, फिर रेट का फ्रैगमेंट ओपन हो रहा है। लेकिन जब हम प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करते हैं तो देखिए ये सेलेक्ट नहीं होगा। क्लिक किया, खुल तो गया फ्रैगमेंट बट ये सेलेक्ट नहीं हुआ। देखिए रेट दिस ऐप पर कनेक्टेड है, फिर मैं क्लिक किया टर्म्स एंड कंडीशन पर तो देखिए टर्म्स एंड कंडीशन खुल तो गया लेकिन हमारा जो सिलेक्टेड पॉइंट है वो रेट दिस ऐप है। तो इस तरह का हम लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं इस नेविगेशन मेनू में, कैसे अपना मोबाइल में इस चीज़ को बना सकते हैं अपना ऐप में, क्योंकि मैंने पहले बनाया था इस नेविगेशन ड्रॉवर के बारे में, बट उसमें क्या था कि मैंने इस चीज़ को पूरा कंप्लीट नहीं किया था, उसमें एक डिफॉल्ट बताया था आपको, लेकिन इस वीडियो में आपको कस्टमाइज बताया जाएगा। गाइज, अगर आपको अपने दम पर एंड्रॉइड ऐप बनाना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में दिया जाएगा बेल आइकन, उसको प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस में आपको इस चैनल मिल जाएगा, आपको वीडियो मिलेगा बहुत सारे एंड्रॉइड ऐप के बारे में, प्लेलिस्ट मिलेगा जो आपको सीखने में सहायता करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे अपना पहले एक लेंगे प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए हमारे पास जो है एक एम्प्टी प्रोजेक्ट हमने ले चुका है यहाँ। अब इसमें क्या करना है, सब चीज़ करने के पहले इसमें एक काम करना है, हमको यहाँ डिजाइन का डिपेंडेंसी ऐड करना है जिसका नाम अभी हो गया है मटेरियल। तो यहाँ जाना है हमको फाइल में और यहाँ जाना है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, फिर यहाँ खुलेगा एक पॉपअप, यहाँ जाना है डिपेंडेंसी में और यहाँ आपको लाइब्रेरी डिपेंडेंसी में यहाँ आपको टाइप करना है मटेरियल, एंटर करना है। उसके बाद देखिए इसका वर्जन जो है आपको वर्जन लेना है 1.1.0, क्लिक करें ओके। और यहाँ सजेशन में कुछ आया हुआ है तो इसको भी साथ ही साथ यहाँ इसको अपडेट आप कर सकते हैं, आपकी च्वाइस है, मैं तो कर लेता हूँ, आप पिक कर लीजिए, मेरा तो रिकमेंड यही रहेगा। और देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा ओके पर, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक जो हमारा अपडेट है चला जाएगा सिंक मोड में, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक है सिंक लेगा। उसके बाद ही हम जब ये पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम कोई भी वर्क इस पर करना स्टार्ट, क्योंकि यार ये थोड़ा वीडियो जो होगा लंबा होगा लेकिन आपके यूजफुल होगा, मतलब आपके फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत लोगों का हाथ डिमांड था अभी और बहुत लोग बोल रहे थे कि यार आपका जो नेविगेशन ड्रॉवर है वो ऑटोमेटिक हाइड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, किस लिए ऐड नहीं हो रहा था, सारा चीज़ इसमें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो यार अगर आपको सीखने मन है अच्छी तरह एक मॉडर्न और कस्टमाइज नेविगेशन, तो आपको यार मैं बोलूँगा ही वीडियो कंटिन्यू देखो, स्किप करोगे जाओगे तुम, सिंपल सी बात है। इसमें बाद में मैं आपका कोई भी कमेंट इसमें कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी तीन चार वीडियो में बना चुका नेविगेशन ड्रॉवर बारे में और मैं लाने वाला था मॉडर्न नेविगेशन बारे में, बट आपकी कमेंट के कारण मैं यहाँ वापस एक फुल कंप्लीट कस्टमाइज नेविगेशन ड्रॉवर मैं फिर से बना रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना हो। और आपको थोड़ी सी भी अगर आप मेरी वीडियो सीखते हैं तो यार मेरा एक ही रहता है डिमांड, एक ही मन रहता है कि यार कि मेरी वीडियो जो सीखता है उसको मैं कोई तरह से दिक्कत होने नहीं दूंगा, जो भी हो जाए। अगर उसको दिक्कत हो रही है तो आप हमको इंस्टाग्राम से मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर यार मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कमेंट में उतना बात नहीं कर पाता हूँ, कमेंट में भले आपको मैं हार्ट दे देता हूँ अलग बात है, लेकिन कमेंट में यार कोडिंग के बारे में बात नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पिक्चर शेयरिंग नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ यार कि आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, उसका जो आईडी जो है उसका जो लिंक है आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, इसमें जो हम लोग बनाएंगे सोर्स कोड, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से काम करना पड़ेगा तो ही आप उस कोड को अप्लाई कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट में। तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है ये ओपन हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ एक पॉइंट तो हो गया कि हमने मटेरियल को डिजाइन कर लिया, अब दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ इस रेस फोल्ड के अंदर में यहाँ पहले एक मेन्यू क्रिएट करेंगे न्यू, और यहाँ लेंगे एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्ट्री, और यहाँ हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेनू। ओके, तो देखिए इसके अंदर यहाँ एक मेनू का फाइल बन गया। राइट क्लिक न्यू, और यहाँ मेनू रिसोर्स फाइल लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे नेव मेनू, क्योंकि हमको नेविगेशन मेनू का बनाना है आइटम। तो ये बन गया, और देखिए हमारे सामने ये बन के रेडी हो गया। अब यहाँ क्लिक करता हूँ मैं कोड पर, और देखिए ये हमारे सामने यहाँ ब्लैंक मेनू का फाइल जो है वो यहाँ बन के रेडी हो गया। लेकिन ये बनाने से पहले हमको आइकन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरी है आइकन, क्योंकि जो आपने देखा अभी और जो आपको देखिए स्क्रीन के बगल में दिख रहा है एक पिक्चर, सेम टू सेम आइकन लेंगे हम लोग और दूसरा कोई आइकन नहीं लेंगे। तो पहला आइकन क्या रहेगा हम लोग का, होम का। तो कैसे लेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे ड्रॉवर पर, राइट क्लिक न्यू वेक्टर एसेट, और यहाँ देखिए यहाँ क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट पर, और यहाँ टाइप करेंगे होम। देखिए पहले एंड्रॉयड 4.0 में बहुत सारा बदलाव हुआ है, और यहाँ देखिए होम क्लिक किए, अब इसका जो यहाँ है पॉइंट, यहाँ इसको यहाँ देखिए इसका नाम रखेंगे होम, होम रख दिया, और इसको यहाँ फिनिश पर क्लिक कर दिया। इसी तरह अब हमको लेना है वैलेट का। तो यार अब इसमें वैलेट का भी सिस्टम आ चुका है, वैलेट भी यहाँ से आप ले सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ आप इसको वैलेट में यहाँ ले सकते हैं। यहाँ टाइप करेंगे वैलेट, देखिए वैलेट आ गया, और इसको ओके, यहाँ नाम लिखेंगे इसका वैलेट, नाम आपको चेंज करना ज़रूरी है वैलेट, नेक्स्ट फिनिश, फिर लेंगे शेयर। इसी तरह आपको पूरा लेना है अपना आइकन जिस तरह आप लेते हैं। तो मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ हमने सारे आइकन को यहाँ ले चुका हूँ टोटली को, लेकिन यहाँ एक अंतर क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए होम जो लेते हैं तो इसका जो कलर जो है मैं लेता हूँ, इसको डिजाइन में ले जाता हूँ, और यहाँ देखिए इसका कलर जो है ब्लैक नज़र आ रहा है, होम का भी सबका कलर जो है यहाँ ब्लैक नज़र आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हमको कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो इस ऐप का कलर रहेगा वही कलर का हम लोग रखना है आइकन, तो हमारी लुकिंग और थोड़ा सा देखने में लगेगा प्रोफेशनल टाइप का। तो कलर कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ वैल्यूज़ के अंदर में, कलर में जाएंगे, और हमको क्लिक करना है प्राइमरी डार्क, इसको कॉपी करना है कलर को, और वापस जाएंगे होम पर, इसका जाएंगे कोडिंग पार्ट में, और यहाँ देखिए ऊपर में यहाँ आपको मिल जाएगा यहाँ कलर वाइट, तो यहाँ आप इसको या फिर कलर वाइट लिखा हुआ यहाँ, यहाँ आप इसको ब्लैक लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ भी इसको आप यहाँ से ब्लैक ब्लैक कर सकते हैं, तो एंड्रॉयड और ब्लैक, इस तरह देखिए दो चीज़ यहाँ लिखा गया। अब सेम टू सेम यहाँ जब हम लोग डिफ़ॉल्ट सेट कर रहे हैं तो यहाँ हमको जो कलर कॉपी की वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए जब वाइट यहाँ दिया हुआ है तो इसको सिर्फ ब्लैक करना है हम लोग को और कुछ ना करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये जो यहाँ दिया हुआ है इसको यार मेन चीज़ है, यहाँ आपको इस चीज़ को कॉपी करना है, रखना है कॉपी करके और सीधा इसके पर, क्योंकि यहाँ इसका जो टिंट कलर है इसमें आपको दिया नॉर्मल, इसको आपको उसको भी करना है ब्लैक, सेम टू सेम हर जगह करना है, टू कॉपी करना है, कुछ नहीं बदलाव है, सिर्फ वही बदलाव किया गया है। अब देखिए हमने यहाँ ब्लैक ले लिया, अब क्या करेंगे हम कलर यहाँ चेंज करने जाके, और यहाँ जो हमने लिया था कलर इसको भी हम यहाँ ब्लैक में चेंज करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा ब्लैक कलर, सबसे डार्क रहेगा यहाँ, और ये भी उसका भी जो रहेगा कलर प्राइमरी वो भी यहाँ रहेगा डार्क। देखिए दोनों मैंने डार्क ले लिया, कलर प्राइमरी को और कलर प्राइमरी डार्क को, दोनों चीज़ें हमने डार्क ले लिया। अब हमको यहाँ मेन्यू के अंदर जाना है, जो भी बनाया था हम फाइल उसमें यहाँ आपको लेना है आइटम, तो आइटम के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा आइटम, इसका लेंगे आईडी, आईडी रहेगा यहाँ फर्स्ट रहेगा होम स्पेस, और यहाँ रहेगा आइकन, आइकन क्या रहेगा होम, फिर स्पेस, और इसका जो टाइटल रहेगा वो रहेगा होम, और इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ देखिए रेड आ रहा है, रेड क्यों आ रहा है, होम टाइप करते हैं, यहाँ देखिए होम आ गया। अब इसको करते हैं रीअरेंज, और सेम टू सेम हमने यहाँ 2, 4, 5, 6 लिया आइटम नेविगेशन आइटम में, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट, पेस्ट 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको अल्ट कंट्रोल एल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जाकर रीअरेंज हो। उसके बाद सबसे सेकंड नंबर में था वैलेट, तो मैं वैलेट लिया, इसका जो आइकन जो है वैलेट से देंगे एक्सचेंज कर, और इसका जो नाम जो है इसका नाम लिख लेते हैं वैलेट,
फिर यहाँ थर्ड जो था, थर्ड इसका नाम था क्या, शेयर। तो शेयर नाम इसे रखेंगे। इसका जो आइकन भी रहेगा वो शेयर रहेगा, और इसका जो टाइटल रहेगा वो भी इसका टाइटल रहेगा शेयर। है रेट का तो यहाँ लिखेंगे रेट, फिर यहाँ इसका जो रखेंगे रेट, हमने यहाँ आइकन का नाम रखा इसलिए यहाँ लिखा, तो यहाँ लिखेंगे रेट दिस ऐप। और यहाँ इसका रहेगा प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ प्राइवेसी नाम इसका रहेगा, और इसका जो आइकन का नाम भी रखा था मैं प्राइवेसी, और इसका जो टाइटल रहेगा वो प्राइवेसी पॉलिसी। और लास्ट वन है इसका टर्म्स, तो यहाँ रखेंगे इसका नाम टर्म्स, और इसका आइकन जो हम रखे थे क्या रखे थे, पॉलिसी शायद रखे थे, और इसका जो नाम रखेंगे टाइटल इसका रखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ देखिए टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया, लेकिन यहाँ एंड हम लेते हैं सिंबल, एंड का सिंबल लेते हैं, तो यहाँ आएगा एरर। तो अल्ट एंटर और एस्केप करना है यहाँ, तो यहाँ AMP डालना पड़ता है। और ये देखिए हमारा जो सिस्टम था यहाँ बन के रेडी हो गया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब हमको जाना है लेआउट के अंदर में, और यहाँ हमको राइट क्लिक करना है, एक लेना है ड्रॉबल फोल्डर, और यहाँ आपको लेआउट रिसोर्स में आपको बनाना है एक हेडर फाइल नेव का। तो नेव का हेडर फाइल देखिए जो ऊपर आपको दिख रहा है राइट साइड में कलर दिख रहा है, जहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू कोड नीलकंठ पवन लिखा हुआ है, मेरा लोगो दिया हुआ है मेरे ऐप का, तो वो कैसे बनेगा उसके लिए यहाँ ले रहा हूँ। तो यहाँ नेव हेडर इसका नाम रहेगा नेव हेडर, एंटर, और उसके बाद इसको मैं फ्रॉम हेड करता हूँ, इसको आपको सामने दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ बढ़िया से, और यहाँ UI का शो करवा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ, लेकिन यहाँ एक काम किया, देखिए हमारा ऊपर कस्टम नेविगेशन दिख रहा है, तो पहले हमने यहाँ जाना है स्टाइल में वैल्यूज के अंदर में, और यहाँ डार्क एक्शन बार को करना है नो एक्शन बार, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब इसको शो करते हैं कट, और यहाँ देखिए हमारे सामने यहाँ ऊपर का सिस्टम हट चुका है। अब हमको सबसे पहले इसको करते हैं रीअरेंज, रीअरेंज हो गया। अब यहाँ जो देखिए यहाँ अब हम लोग काम करने वाले हैं एंड्रॉयड एक्स पर, एंड्रॉयड का ज़माना गया, अब हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे एंड्रॉयड एक्स पर। और देखिए अब पहले हमको चेंज करेंगे कॉन्स्टेंट लेआउट से रिलेटिव ऐप कॉम्पैक्ट लेआउट में, तो या फिर लीनियर लेआउट में। तो यहाँ से आपको इतना ही एंड्रॉयड एक्स नहीं करना है कभी, उससे पहले करना है, और यहाँ रिलेटिव या फिर लीनियर लेआउट यहाँ करना है, तो लीनियर लेआउट कर दिया। और यहाँ देखिए आपका यहाँ लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट नाम से आ गया यहाँ, इसका जो ओरिएंटेशन है यहाँ सेट कर दूंगा वर्टिकल, और इसका जो बैकग्राउंड रहेगा बैकग्राउंड भी इसका मैं सेट करूंगा प्राइमरी डार्क। अब देखिए ये बैकग्राउंड आ गया, लेकिन यहाँ इसका जो हाइट रहेगा डिफ़ॉल्ट हाइट रहता है 176, मैं रखता हूँ 156, डिफ़ॉल्ट हाइट रहता है 176, लेकिन मैं रखता हूँ 156 रखता हूँ हमेशा। उसके बाद इसके अंदर में पहले लेंगे हम लोग इमेज, इमेज भी लेंगे, और इसका जो हाइट रहेगा 60 dp रहेगा, और इसका भी जो विथ भी रहेगा सेम टू सेम 60 dp रहेगा। और एक सबसे पहले मैं लेंगे इमेज को, तो इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं चलता हूँ सीधा अपना कंप्यूटर के फाइल में, और ये पिक्चर रहा यहाँ, ये देखिए मेरे पास एक मेरा लोगो है चैनल का, इसको यहाँ ले आता हूँ वापस, और इस प्रोजेक्ट में जाके इस ड्रॉबल के अंदर में इसको मैं पेस्ट करूँगा, और सेम टू सेम एंटर एंटर। और यहाँ देखिए अब इसको मैं हाइड करता हूँ, और यहाँ आपको लेना है एक SRC, और यहाँ लेना है इसका लोगो, मैं सुना रहा था लोगो, देखिए आपके बगल में यहाँ दिख गया लोगो। अब लोगो दिख तो गया है, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको, इसके अंडर में आपको ये लेना है पैडिंग, पैडिंग कितना लेंगे 16 dp, इतना पैडिंग ले लिए। अब इतना लेने के बाद आपके सामने देखिए ये आ गया, इमेज आ गया। अब इमेज के बाद यहाँ नीचे आएगा टैक्स, जहाँ लिखा रहेगा आपका ऐप का नाम टैक्स व्यू, यहाँ रहेगा रैप कंटेंट, यहाँ भी रहेगा रैप कंटेंट क्लोज, और यहाँ इसका टैक्स का नाम रहेगा, टैक्स का नाम रहेगा, या मैं रखता हूँ मैं अपन चैनल का नाम क्लिक टू कोड, ये रहा। अब टैक्स का कलर चेंज करते हैं यहाँ से हम लोग टैक्स का कलर, और ये रहेगा टैक्स का कलर रखूँगा मैं एंड्रॉयड, और यहाँ रहेगा वाइट। टैक्स का स्टाइल जो रहेगा बोल्ड, ये हो गया, और मार्जिन टॉप रहेगा 8 dp, ये हो गया। इतना होने के बाद आपको, अब मैं इसके नीचे लेता हूँ मैं अपना ईमेल, तो यहाँ टैक्स व्यू और रैप कंटेंट क्लोज, और यहाँ लेता हूँ टैक्स, नया लेता हूँ नीलकंठ पवन, मेरा ईमेल है, आप इसी पर हमको ईमेल कर सकते हैं nilkanthpawan@gmail.com, ये मेरा ईमेल रहा। अब इसका जो कलर है, इसका कलर जो लूँगा वाइट रहेगा, एंड्रॉयड वाइट। और इतना होने के बाद देखिए हमारा जो ये सिस्टम है, तो यहाँ इस इमेज में हम लोग इसका लेंगे मार्जिन स्टार्ट, और लेंगे 24 dp, ताकि या फिर 16 dp ANF है। उसके बाद इतना होने के बाद आपको इस पैडिंग के अंदर में, इस लीनियर लेआउट के अंदर में ऊपर में आपको यहाँ लेना है ग्रेविटी, और ग्रेविटी में यहाँ आपको रखना है सेंटर वर्टिकल, ताकि
ये तीनों आइटम है आपका बीचों बीच दिखे, यही कारण हम ये लेते हैं तीनों चीज़। अब यहाँ इस क्लिक टू कोड में हम लोग थोड़ा सा इसका जो टैक्स अपीयरेंस है तो इसको ले लेते हैं, टैक्स अपीयरेंस को यहाँ रखते हैं मीडियम, और ये जो नीचे जो दिया हुआ है इसको लेते हैं टैक्स अपीयरेंस लेते हैं, और इसको लेंगे स्मॉल, यह स्मॉल हो गया। और यहाँ देखिए हमारा जो टोटली काम जो था, यहाँ हमने इसमें टोटली काम कर लिया हूँ, और यहाँ टोटली इसमें हेडर हमारा बन चुका है। और साथ ही साथ हम लोग का यहाँ नेविगेशन मेनू, अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ नेविगेशन मेनू भी बन के रेडी हो गया है। तो मतलब कि हमने दो चीज़ यहाँ बना लिया है, लेकिन आपको मैंने बताया था उसमें कि हमारे पास होम, यहाँ जो आप देख रहे हैं बगल में स्क्रीन की, आपको होम वैलेट शेयर और रेट दिस ऐप तक सेलेक्ट हो रहा था, उसके बाद दो ठो सा प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन वो सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा था? तो यहाँ हम आते हैं एनिमेशन में, और यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ हम बनाते हैं ग्रुप, ग्रुप बनाएं, इसका जो रहेगा बिहेवियर रहेगा वो रहेगा सिंगल, और इसको क्लोज करते हैं। और इस ग्रुप के अंदर में आपको इतना आइटम जो बनाए थे रेट जिस तक कट करना है, और इस ग्रुप के अंदर में आपको यहाँ पेस्ट करना है ताकि ये ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट यहाँ से हो। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए इतना हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ, इतना हो गया। और अब हमारे पास दो चीज़ हो गया, अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग मेन एक्टिविटी में XML में। तो डायरेक्टली मैं क्लोज करता हूँ, और ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी। तो यहाँ देखिए हमारे पास इस तरह का आया है सिस्टम यहाँ। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेंगे ड्रॉवर लेआउट। तो आपको एंड्रॉयड एक्स को छोड़ देना है, यहाँ आपको इस ड्रॉवर को लिखना है ड्रॉवर लेआउट, और इसका आईडी जो है सेट करना है आईडी, और यहाँ रखना है आईडी से रखना है ड्रॉवर, और इसको लेना है ओपन ड्रॉवर, और इसको करना है स्टार्ट। ये दो चीज़ करना जरूरी है, अदरवाइज आपका ड्रॉवर लेआउट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब इस टेक्स्ट व्यू को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम मेरे पास नहीं है। और उसके बाद यहाँ हम लेते हैं एक लीनियर लेआउट, तो लीनियर लेआउट में लिया और मैच पेरेंट रख दिया। उसके बाद इसको क्लोज करता हूँ, तो क्लोज करना है इस क्लोज क्योंकि इस अंदर वो लिखना है। उसके बाद यहाँ सेट करते हैं ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन इसका रहेगा जो रहेगा वर्टिकल। अब हम लोग लेंगे इसके अंदर एक लेंगे टूल बार, तो टूल बार लेने के लिए इसलिए हम लोग वहाँ मटेरियल को डिपेंडेंसी को इंसर्ट किया था, टूल बार लिए। और यहाँ इसका रहेगा विथ रहेगा मैच पेरेंट, इसका हाइट जो रहेगा वो रहेगा अटर में, और यहाँ रहेगा एक्शन बार के साइज में रहेगा इसका। तो यहाँ इसका हो गया। अब इसका जो बैकग्राउंड जो है, इसका बैकग्राउंड में रखता हूँ प्राइमरी डार्क, ये हो गया। अब इसका जो थीम है, इसका थीम में रखूँगा डार्क एक्शन बार, ये रहा थीम। और इसका आईडी जो है, इसका आईडी भी हमें दे देता हूँ, इसका आईडी रहेगा टूल बार। ये देखिए इतना हमने यहाँ कर लिया। अब इस टूल बार के नीचे और लीनियर लेआउट के बाहर यहाँ आपको लेना है एक नेविगेशन मेनू, तो ये नेविगेशन मेनू ले लिया यहाँ। और इसका जो विथ रहेगा रैप कंटेंट रहेगा, और इसका जो हाइट जो रहेगा वो मैच पेरेंट रहेगा। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं, फिर इसका हम लोग लेंगे आईडी, तो आईडी में रखेंगे हम लोग नेविगेशन व्यू, और यहाँ लेते हैं मेनू जो हम लोग किए थे क्रिएट, और ये मेनू नाम था नेव मेनू, प्लस में यहाँ लेंगे हेडर। तो यहाँ देखिए हेडर लेआउट ले लिए, और इसका हेडर लेआउट का नाम क्या था, नेव हेडर, ये हमने यहाँ ले लिया। देखिए आपके सामने यहाँ दिख रहा है टोटली चीज यहाँ हो चुका है, यहाँ क्लियरली आपको यहाँ ऊपर हेडर भी दिख रहा है, और सारा यहाँ पॉइंट भी आ चुका है। अब यहाँ लेना है हमको ग्रेविटी स्टार्ट, तो ही ये हमारा 70% कवर करेगा और 30% राइट हेड में गैप कर देगा। तो यहाँ आपको लिखना है मैनुअली एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी, ये लिखना है आपको मैनुअली, याद रखना है आपको ग्रेविटी इज इक्वल टू, और यहाँ लेना है आपको स्टार्ट। देखिए जैसे मैं क्लिक स्टार्ट, यहाँ देखिए हमारा जो नेविगेशन मेनू था, यहाँ इसमें आपका 70% स्पेस ले लिया और 30% स्पेस को यहाँ लीव कर दिया। तो ये हमारा जो कम्प्लीटली जो था, इतना हमने बना के रेडी कर दिया है। अब हमारा काम जो है इसमें बाकी रहा फ्रेम लेआउट का, तो जब हम लोग फ्रेम लेआउट सेट करेंगे तो लेंगे, लेकिन उससे पहले आप चलते हैं हम लोग जावा कोडिंग में। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी में, और ये हमारा रहा मेन एक्टिविटी। अब यहाँ हम लोग करेंगे जावा कोडिंग, तो यहाँ हम लोग लेंगे सबसे पहले लेंगे नेविगेशन मेनू का, तो नेविगेशन व्यू रखूँगा इसका नाम, और यहाँ लेंगे मैं एक्शन बार टॉगल को, तो एक्शन बार टॉगल, और इसका नाम सेम टू सेम एक्शन बार टॉगल। फिर रहेगा ड्रॉवर लेआउट, ड्रॉवर लेआउट, इसका नाम भी रहेगा ड्रॉवर लेआउट। इतना होने के बाद अब जो हमने टूल बार लिया था वहाँ बनाया था, तो उसको यहाँ पर करेंगे फिर, तो यहाँ टूल बार यहाँ आपको ध्यान देना हमेशा, जब टूल बार क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे लेना है आपको एंड्रॉयड एक्स का लेना है टूल बार, और यहाँ आपको इम्पोर्ट में चेक करना है कि कौन सा लिया था। देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ एंड्रॉयड एक्स का लेगा यहाँ,
और इम्पोर्ट मिलने के बाद यहाँ आपको टूल बार फिर क्लिक करना है इजिकल टू फाइंड व्यू आई डी आर डॉट आई डी डॉट टूल बार, जो हमने उसका लिया था आई डी। अब इस टूल बार को हमको सपोर्ट सेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे सेट सपोर्ट एक्शन बार और यहाँ टूल बार को हम लोग पास कर देंगे। ये हमारा टूल बार का काम जो था यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेविगेशन बार को करेंगे, तो नेविगेशन व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट नेविगेशन व्यू, उसका आई डी हम लोग लिए थे वहीं। और बाद में फिर यहाँ नेविगेशन व्यू सेट आइटम टिंट लिस्ट यहाँ लेंगे, उसको लिखेंगे नल। ये इसलिए है क्योंकि इसी यही कारण हम लोग हमारा अपना जो जो आपको बगल में दिख रहा है कलर वाइज ब्लू एंड ब्लैक कलर का दिख रहा है जो आपको, वो यही इसी कोड के कारण दिखता है। अगर आप कोड ये नहीं लिखते हैं तो आपको सिंपल सा दिखेगा ग्रे कलर का, वो भी दोनों आइकन भी और कलर टेक्स्ट भी दोनों दिखेगा नेविगेशन का सिंपल दिखेगा ग्रे कलर में। प्लस में यहाँ लेना है ड्रॉवर लेआउट, तो ड्रॉवर लेआउट इज इक्वल टू फाइंड व्यू आई डी और इसका जो था आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ इसका लिए थे हम लोग लिए थे ड्रॉवर। अब ड्रॉवर कहाँ लिए थे आपको ध्यान है कि ना, देखिए ये हमारा मेन्यू आईडी है और यहाँ देखिए सबसे ऊपर में हम लोग जब हम ड्रॉवर लेआउट क्रिएट करते हैं तो यहाँ इसका आईडी लिए थे ड्रॉवर, ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये लैप ले लिए यहाँ, अब ये इतना हो गया हमारे पास। अब हमको इसके नीचे लेना है एक्शन बार टॉगल को, तो एक्शन बार टॉगल इज इक्वल टू न्यू एक्शन बार टॉगल दिस ड्रॉवर लेआउट डॉट टूल बार। अब यहाँ हमको लेना है ओपन एंड क्लोज जो होता है टूल बार, हमारा जब टॉगल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टूल बार जो है हमारा जो नेविगेशन ड्रॉवर है वो ओपन एंड क्लोज भी होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग में, बनाना पड़ेगा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो जाएंगे स्ट्रिंग में डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज के अंदर में स्ट्रिंग में, और यहाँ देखिए आपको इसके अंदर में एक लेना है दो चीज़ लेना है स्ट्रिंग, तो यहाँ राइट क्लिक और यहाँ स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ लिखेंगे ओपन और इसको क्लोज करेंगे और यहाँ लिखेंगे ओपन और इसको कॉपी सॉरी बैक कॉपी एंड पेस्ट करेंगे यहाँ और इसको जो है यहाँ क्लोज कर देंगे क्लोज, और इसको भी यहाँ लिख देंगे बड़ा बड़ा में क्लोज। इतना बाद आपको आना है वापस मेन आईडी में, और आने के बाद यहाँ देखिए आपको अब यहाँ लेना है आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ओपन पहला, फिर आर डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लोज, ये हमने यहाँ ले लिया। इतना मेरा काम था इसमें, जहाँ हम लोग को यही कारण हमारा जो ड्रॉवर लेआउट होगा काम करेगा ऑटोमेटिक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ हम लोग ड्रॉवर लेआउट डॉट एड ड्रॉवर लिसनर और यहाँ हम लोग एक्शन बार टॉगल से इसको पास कर देंगे। उसके बाद एक्शन बार टॉगल को यहाँ से सिंक स्टेट में डाल देंगे। ये देखिए इतना हमारा काम हो चुका है यहाँ। अब क्या करना है हमको, नेविगेशन आइटम को करना है क्लिक, तो उसके लिए यहाँ इसी देखिए अब जो मैं बना रहा हूँ इस जो इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, वो न्यू मेथड है और आपको सब काम ऑन क्रिएट मेथड के अंदर में हो जाएगा। यहाँ लिख दिया नेविगेशन व्यू सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिस्टनर, यहाँ लिख लिया और न्यू और नेव क्लिक किया, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक देखिए यहाँ आ चुका है। अब इसको ट्रू यहाँ दिया हुआ है, इसको करता हूँ यहाँ फोल्ड दिया करता हूँ ट्रू। अब इसके अंदर में हमको क्या करना है, लेना है स्विच का केस, तो यहाँ करते हैं क्या स्विच और इसके अंदर लिखता हूँ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी और इसके अंदर में हम लोग लिखने वाले हैं केस और यहाँ लिखेंगे आर डॉट आईडी डॉट, पहला था हम लोग था होम, तो होम और यहाँ लेंगे ब्रेक। अब देखिए ये हमने यहाँ ले रहा हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ सभी जितना मैं बनाया था 6 ठो, तो यहाँ कॉपी करता हूँ और इसको डायरेक्टली पेस्ट 1 2 3 4 5 6, अब करता हूँ रीअरेंज, इसको हो गया रीअरेंज। अब होम के बाद था वैलेट, तो वैलेट फिर यहाँ था शेयर, शेयर ले लिया, फिर यहाँ था रेटिंग, रेट ले लिया और फिर यहाँ था प्राइवेसी ले लिया और फिर यहाँ था टर्म्स और ये हमने ले लिया, हमने इतना ले लिया। अब इसमें ओपन करवाएंगे हम लोग फ्रेम लेआउट मतलब कि फ्रैगमेंट लेआउट को, क्योंकि हम अब इसमें एक्टिविटी को चेंज ओपन नहीं करवाएंगे क्योंकि अब ज़माना थोड़ा चेंज हो रहा है और हम लोग फ्रैगमेंट को यूज करेंगे, क्योंकि फ्रैगमेंट क्या होता है थोड़ा हल्का होता है, बहुत ही स्मूथ चलता है और बहुत ही यूजर रिलायबल यूजर फ्रेंडली होता है, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे हम लोग फ्रैगमेंट को यूज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ फ्रैगमेंट में हम लोग डालें कब, सबसे पहले हम करें क्रिएट फ्रैगमेंट लेआउट को, तो यहाँ देखिए जाएंगे जावा के अंदर में और यहाँ से राइट क्लिक और जाएंगे यहाँ फ्रैगमेंट में और लेंगे ब्लैंक फ्रैगमेंट और इसका नाम रखेंगे पहला होम फ्रैगमेंट, एंटर, फिर सेकंड लेंगे उसी तरह फ्रैगमेंट और अब रहेगा कौन सा रहेगा
वैलिड फ्रैगमेंट। इसी तरह आपको छेहू फ्रैगमेंट, जितना आपने एक्टिविटी लिया, जितना आपने लिया था नेविगेशन आइटम, उतना आपको फ्रैगमेंट बनाना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। तो मैं अब वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ और छेहू फ्रैगमेंट को पहले बना लेता हूँ मैं। देखिए हमने सभी फ्रैगमेंट ले लिया, होम फ्रैगमेंट, वैलिड फ्रैगमेंट, शेयर फ्रैगमेंट, रेट फ्रैगमेंट, प्राइवेसी फ्रैगमेंट और टर्म्स फ्रैगमेंट। अब वापस आपको करते हैं क्लोज और चलते हैं सीधा मेन एक्टिविटी में। और यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ हमको यहाँ इसके अंदर हमको फ्रैगमेंट को लोड करना है। उससे पहले फ्रैगमेंट को लोड करने पहले भाई बहुत चीज़ काम है, क्योंकि एक लोड करने के लिए आपको इसको लोड करना पड़ता है फ्रेम लेआउट के अंदर में। अब फ्रेम लेआउट कैसे बनेगा नहीं बनेगा ये आपकी माइंड में चलता होगा। तो करना क्या आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ आती है, यहाँ से आपको समझने वाली बात है। यहाँ से यार कभी भी स्किप मत करना, नहीं तो यहाँ अगर इस मेथड को भूल गए हो ना तो यार मैं भी खुद कुछ नहीं कर सकता आपके सामने फिर। तो यहाँ देखिए आता हूँ मेन में और ये रहा मेन एक्टिविटी मेरा। अब यहाँ देखिए आपको इस लीनियर, ये जो हमने लिया था टूल बार के नीचे, ठीक है, टूल बार के नीचे लेना है आपको। और यहाँ आपको लेना एक फ्रेम लेआउट, तो यहाँ लिखेंगे फ्रेम लेआउट और इसका जो रहे विथ रहेगा मैच पेरेंट और इसका हाइट भी रहेगा मैच पेरेंट। क्लोज करेंगे और इसका आईडी जो रहेगा, आईडी रहेगा इसका फ्रेम, यही आईडी। देखिए आगे जा काम कर, देखिए बगल में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि देखिए आपको ऊपर एक्शन बार को छोड़ दिया बाकी ले लिया, तो कैसे ये काम करता है, क्योंकि यार यही इसी फ्रैगमेंट के अनुसार हमको आगे जाकर काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा रहा, इसको मैं थोड़ा करता हूँ रीअरेंज कर लिया। अब चलता हूँ वापस अपना मेन एक्टिविटी में, ये रहा जावा एक्टिविटी। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको जाना है, यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट और फ्रैगमेंट फिर से इज इक्वल टू नल, इतना लिखना पड़ेगा। अब आपको आना है नीचे में और इसके अंदर में देखिए जो दिया हुआ आइटम, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब आपको सबसे नीचे में आपको ऑन क्रिएट मेथड के बाहर आना है आपको यहाँ, और यहाँ आपको कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखना है आपको प्राइवेट वॉइड लोड फ्रैगमेंट, और इसको फ्रैगमेंट से कन्वर्ट करना है फ्रैगमेंट और फ्रैगमेंट। और इसके अंदर में हमको आप कुछ लेना है कोड, क्योंकि यहाँ अगर कोड नहीं लिखे हम तो यार मेरा फ्रैगमेंट जो है होम एक्टिविटी में खुलेगा ही नहीं, सिंपल से बात। क्योंकि यहाँ एक्टिविटी हमने एक लिया है और बाकी लिया है फ्रैगमेंट, एक बात आपको ध्यान देना है। यहाँ कोई भी मैं एक्टिविटी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैं सिर्फ फ्रैगमेंट पर काम करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार कि थोड़ा ये जो ट्यूटोरियल थोड़ा ये हट के है, मैं बहुत बनाया हूँ लेकिन ये थोड़ा हट के है। तो यहाँ लेना है फ्रैगमेंट मैनेजर, फ्रैगमेंट मैनेजर, फ्रैगमेंट मैनेजर इज इक्वल टू गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, इसको क्लोज करना है। अब लेना है फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन, फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बींग ट्रांजेक्शन, इतना लेने के बाद फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस। अब ये रिप्लेस कहाँ करेंगे हम लोग, जो भी बनाए थे हम लोग फ्रेम का आईडी वहाँ से इसको करेंगे रिप्लेस, ये यहाँ रिप्लेस हो गया। और कॉमा फ्रैगमेंट से हमको इसको पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिल्ली था ऊपर वाला वेरिएबल इसका, इसको इसे पास करेंगे डॉट कमिट और इसको सेमी कॉलन। अब क्या करना है हमको कि यहाँ अपना ड्रॉवर लेआउट को यहाँ से क्लोज भी करना है, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं ड्रॉवर लेआउट डॉट क्लोज ड्रॉवर, ये यहाँ ज़रूरी है। और यहाँ लेना है आपको ग्रेविटी कम्पैक्ट डॉट, यहाँ आपको लेना है स्टार्ट, ये देखिए इतना लिखना ज़रूरी है। अगर इतना लिखिएगा आप तो आपका जो ड्रॉवर लेआउट हो ये काम नहीं करेगा। और इसके बाद आपको लेना है फिर से फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट एड टू बैक स्टैक, और यहाँ लेना है आपको नल। इतना लेने के बाद जब आपका इतना काम हो जाएगा तो देखिए हमारा जो लोड फ्रैगमेंट है ये कभी कोई काम नहीं कर रहा है, अब नहीं काम करने का। अब इसको जो लोड फ्रैगमेंट को हम यूज़ करने वाले हैं कहाँ, इसके अंदर, इसलिए हमने यहाँ लिया था फ्रैगमेंट का। अब आपको आना है इस ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टर के अंदर में और यहाँ क्लिक करके बाद यहाँ लिखना है फ्रैगमेंट। यहाँ नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ ऊपर नल ले लिए थे। अब डायरेक्टली यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अगर हम क्लिक करेंगे होम पर तो ये रहा फ्रैगमेंट इज इक्वल टू न्यू होम फ्रैगमेंट जो हमने लिया था, क्लोज। अब यहाँ हम लोग फ्रैगमेंट को लोड करेंगे, तो लोड फ्रैगमेंट जो भी बनाया था नीचे हम लोग, और यहाँ इसको फ्रैगमेंट से पास करेंगे। इतना होने के बाद जब इतना कर लेंगे हम लोग
तो देखिए जब भी इतना करेंगे तो हमारा जो एक्टिविटी है, जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ एक कोड हमको और चाहिए। और वो कोड क्या है, मैं देखिए नीचे हम लिखा था यहाँ ड्रॉवर लेआउट क्लोज ड्रॉवर, इस कोड को डायरेक्टली आपको यहाँ से कॉपी करना है और आपको इसके अंडर में, इस लोड फ्रैगमेंट के अंदर में आपको यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको आप कर लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, इतना आपको इतना हमने लिख लिया, आप इसको कॉपी करेंगे और सभी के अंदर हम लोग यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ भी पेस्ट कर दिया, शेयर में भी पेस्ट कर दिया, रेट के अंदर भी पेस्ट किया, प्राइवेसी के अंदर भी पेस्ट किया और इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम लोग शुरू से ऊपर से इसका नाम चेंज करेंगे। तो ये वैलेट का है तो यहाँ लिखेंगे वैलेट फ्रैगमेंट, ये है शेयर का तो यहाँ शेयर का फ्रैगमेंट, ये रहा हमारा रेट का तो रेट फ्रैगमेंट, ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी का तो प्राइवेसी फ्रैगमेंट, और ये रहा टर्म्स एंड कंडीशन फ्रैगमेंट तो टर्म्स फ्रैगमेंट। ये देखिए हमारा इतना हो चुका है। अब इतना करने बाद हमारे पास क्या है कि टोटली काम यहाँ मेरा हो चुका है। अब कुछ नहीं, एक बार क्या करते हैं हम लोग ऐप को टेस्ट करते हैं, क्या देखते हैं हमारा ऐप काम कर रहा है या फिर कहानी बैंड कर रहा है फिर से हम लोग का। तो आपके सामने देखिए हम बगल में दिख रहा है मोबाइल का स्क्रीन और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ रन पर। देखिए हमारे सामने यह खुल चुका है और थोड़ा सा ओपन करता हूँ। ओपन करने देखिए हमारे सामने खुल गया। जब मैं क्लिक करता हूँ टॉगल को, देखिए हमारे सामने खुल आ तो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ होम को, होम क्लिक किया, देखिए हमारा होम सिलेक्टेड है। वैलेट क्लिक किया, वैलेट सिलेक्टेड है। शेयर क्लिक किया, शेयर भी सिलेक्टेड है। रेट क्लिक किया, रेट भी सिलेक्टेड है। लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सिलेक्ट नहीं होगा, देख रहे हैं आप सिलेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ से आपको देख समझ में आ गया कि कैसे हम लोग बनाते हैं इस तरह का कस्टम चीज़। जैसे आपके मन में एक डाउट था क्या कि जब क्लिक करते हैं हम लोग कोई भी नेविगेशन आइटम को तो हमारा जो था ड्रॉवर वो क्लोज नहीं था। देखिए क्लिक किया मैं वॉलेट पर, ऑटोमेटिक ड्रॉवर क्लोज हो गया। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको ड्रॉवर क्लोज करने के लिए वापस आपको आना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ड्रॉवर जो है ऑटोमेटिक जाएगा क्लोज हो। तो इस तरह का आप ऐप बना सकते हैं बहुत ही आसान माध्यम से, आपने सीख लिया। अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यार कमेंट करो फिर से, और इसका जो सोर्स कोड है मैं डाल दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सोर्स कोड, वहाँ से डायरेक्टली इसको आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यार मैं बोलूँगा कि सोर्स कोड के चक्कर में मत रहो यार, डायरेक्टली यहाँ से वीडियो देख लो, समझ में बढ़िया आ जाएगा। क्योंकि इतना मेहनत से मैं आपको समझाया हूँ और यार मुझे नहीं लगता कि यार इतना मेहनत से समझाने के बाद भी अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो या फिर वो वीडियो स्किप कर रहा है या कुछ तो गलत कर रहा है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।